एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल की 3 महीने पहले ही बिजनेसमैन अपूर्व से शादी हुई थी। 27 मई को उनके इंस्टाग्राम से शादी की कुछ तस्वीरें गायब दिखी तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि शायद उनका तलाक हो रहा है या फिर इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सभी जगह इस तरीके की बातें होने लगी, सभी जगह इसी बात का हल्ला होने लगा कि शायद दिलजीत कौर के बाद क्या इनका भी रिश्ता टूटने की कगार पर है। लेकिन एक्ट्रेस ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया और अब इस पर चुप्पी तोड़ी है और इसके पीछे का सच भी फैंस के सामने रखा है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। दिव्या अग्रवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैंने कोई हल्ला नहीं मचाया, मैंने कोई कमेंट नहीं किया और ना ही कोई स्टोरी पोस्ट की। मैंने 2500 पोस्ट डिलीट किए लेकिन मीडिया ने सिर्फ शादी की तस्वीरें न दिखने पर ही रिएक्ट किया। ये मजेदार है कि लोग कैसे देखते हैं और मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। मैंने हमेशा वो किया जिसकी लोगों ने मुझसे उम्मीद नहीं की थी और वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, तलाक या बच्चा। दिव्या ने आगे लिखा, हालांकि इसमें से कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई तो ये है कि प्रोफाइल पर जो मेरा पहला पोस्ट पिन किया गया है, मैं उसके बारे में ही बात करना चाहती हूँ। हर कहानी का अंत सुखद होता है और भगवान की कृपा से मेरे पति मेरे बगल में शान से सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। दिव्या अग्रवाल ने अपूर्वा से 20 फरवरी को मुंबई में शादी रचाई थी। इसमें उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल हुई थी। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। उनकी तमाम वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी मगर अब वो डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन अपूर्वा के हैंडल पर दिव्या के साथ वाली फोटोज अभी तक मौजूद है लेकिन दिव्या के सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी तस्वीरें नहीं देखी जा रही। ऐसे में फैंस कयासबाजी कर रहे हैं। वेल, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।